ये मुद्दे तो ये हैं कि जिस तरह से आप देख रहे हैं शहर में माहौल है, हमारे जो मुद्दे हैं वो अल्पसंख्यक, पिछड़े, मजदूर, गरीब, अल्पसंख्यक व पसमानदा समाज की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, उनको हर तरक्की के नए रास्ते से जोड़ने के लिए, युवाओं को रोज़गार के लिए, जो गरीब आवाम परेशान है उसके रोज़गार को जोड़ने के लिए, एजुकेशन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, ये सब हमारे मुद्दे रहेंगे। अच्छा, आप कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, नेता भी थे, जी। तो पार्टी छोड़ के निर्दलीय नामांकन करने का क्या क्यों ख्याल आया? ख्याल ये आया, देखिए कांग्रेस पार्टी ने कोई भी अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है, उन्होंने तो विड्रा कर दिया। तो अगर हमें अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, समाज की तरक्की के लिए संघर्ष करना है तो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तो चुनना पड़ेगा। तो मैंने अपने साथियों से विचार विमर्श किया और हम सब लोगों ने मिलकर यह तय किया कि हम एक आज़ाद उम्मीदवार के रूप में रामपुर विधानसभा से हम लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए। तो मैंने इस पर अमल किया और मैंने शहर रामपुर से अपना नामांकन किया 18 को, जिससे कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, हमें लोगों के काम करने के लिए, समाज की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, समाज के लिए काम करने के लिए। अब अगर हम कांग्रेस पार्टी में थे, उसने विड्रा कर दिया, तो ये बताइए हम समाज के लिए काम कैसे कर पाएंगे, किस प्लेटफॉर्म पे काम करें? अच्छा, आजम खान यहाँ लगभग 40 से 42 साल जी जी, तो कुछ विकास हुआ क्या? नहीं, देखिए अब वो ये तो उनके कार्यकाल में पता होगा विकास हुआ नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी दिनों से तो रामपुर शहर एक लावारिस के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। आपने देखा होगा जिस तरह से लोकसभा का चुनाव हुआ 2019 में, क्या काम हुआ आप खुद देख लें। 2019 में लोकसभा की सांसद निधि से कोई भी आज तक विकास कार्य ऐसा नहीं हुआ जिसका कोई पत्थर लगा हो। अब आजम खान भी विधायक बने 2022 में, अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, उसके बाद से अभी तक कोई काम आपको तो नज़र आया नहीं हुआ, हमें तो कोई नज़र आया नहीं। हो सकता आपने देखा हो लेकिन हमें कोई काम नज़र नहीं आया। ऐसी स्थिति में ऐसा विकल्प हमें तलाश होना होगा कि जो लोगों के काम कर सके, जो जनता के विकास कार्यों को आगे बढ़ा सके, जो जनता को रोज़गार से जोड़ सके, जो गरीब आवाम के, जो पिछड़ा है, गरीब है, मजलूम मजदूर है, हर उस तबके के लिए जो इस समाज में अंतिम पायदान पर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है, उसके लिए हमें काम करना होगा। इसलिए मैंने ये तय किया है, मेरे साथियों से बात करके मैंने, हम सब लोगों ने ये तय किया कि हमें एक पसमानदा समाज, अल्पसंख्यक समाज की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, उनकी आवाज़ को विधानसभा में उठाने के लिए एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में आना चाहिए और इंशाल्लाह लड़ेंगे और जीतेंगे भी, अल्लाह ने चाहे। तो बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है जी, सारे नेता उसके लिए कोशिश करते हैं और वायदे भी करते हैं, लेकिन बेरोजगारी अब तक दूर नहीं हुई। देखिए हमारी कोशिश रहेगी, देखिए और नेताओं ने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन हमारी कोशिश ये करेगी कि हम मुख्यधारा से अपने साथ युवाओं को जोड़ें और जो बेरोजगारी का मुद्दा है उसको कहीं ना कहीं हम साधने की कोशिश करें रोजगार के। अगर जनता मुझे मौका देती है तो मैं उस रोजगार को कड़ी से कड़ी को जोड़कर और तरक्की की राह पर जोड़ने का काम करूंगा। क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? जनता से यही अपील है कि जिस तरह से रामपुर शहर का हाल है, तो जनता अगर मुझे मौका देती है, और मेरी गुजारिश है जनता से कि मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है, कल मेरा चुनाव निशान भी मिल जाएगा, तो आपके माध्यम से जनता से यही अपील है और यही गुजारिश है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर कामयाब बनाएं। इंशाल्लाह मैं हर एक व्यक्ति के कसौटी पर, हर एक व्यक्ति की उम्मीदों पर, हर एक व्यक्ति के जो भी उसकी तमन्नाएं, जो भी उसके दिल में आज के माहौल के हिसाब से जो खौफ है वो मेरे उसके साथ खड़ा रहूँगा, कंधे से कंधा मिला के, और उसकी हर समस्या के में जो भी उसकी समस्याएँ होंगी उन समस्याओं में हर टाइम हर वक्त मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा और उनको समाधान कराने की मैं कोशिश करूँगा।